श्री गणेशाय नमः। बुधवार के दिन करें बुधवार के उपाय। बुधवार के दिन श्री गणेश जी की पूजा करने का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान श्री गणेश जी की पूजा करने से हमारे कार्यों में आ रहे विघ्न बाधाएं दूर होती हैं और हमारे सारे कार्य बनने शुरू हो जाते हैं। मांगलिक कार्य होते हैं गणेश जी की पूजा करने से। ओम गं गणपते नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हो आप गणेश जी की प्रतिमा के या फोटो के सामने, या मंदिर में भी जाकर कर सकते हो। इसे कम से कम 11, 21 बार या 108 बार करिए। एक माला कर सकते हो इसका जाप मंत्र का, तो गणेश जी की बहुत जल्दी आपके ऊपर विशेष कृपा होगी। आप इसके साथ ही लड्डुओं का भोग भी लगाइए उन्हें। गणेश जी पर आप लड्डुओं का भोग लगाओगे अपनी श्रद्धा के अनुसार तो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। और साथ में श्री गणेश जी का मंत्र भी कीजिए, ओम श्री गणेशाय नमः या ओम गं गणपते नमः। ये मंत्र का जाप करोगे तो आपको गणेश जी की कृपा मिलेगी और आपके सभी कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। अगर रुके हुए कार्य हैं वो भी बनने शुरू हो जाएंगे। बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा करने का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है, आप चाहे मंदिर में करिए या घर पर करिए। और इसके साथ ही आपको कुछ उपाय बुधवार के और भी कर सकते हैं। आप चाहो तो गाय को हरा चारा खिला सकते हैं बुधवार के दिन, और आप हरे रंग की चीज़ें वस्तुएं दान कर सकते हैं। आप हरी सब्जियां दान कर सकते हैं। आप ये सभी मंदिर में या किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं। इसके साथ ही आप बुधवार के दिन आप हरे रंग की वस्तुओं का दान कर सकते हैं, सब्जियां दान कर सकते हैं, मिठाइयां दान कर सकते हैं। और भगवान श्री गणेश जी की पूजा पूरे विधि विधान के साथ करेंगे और आप इस साथ में पूरे नैवेद्य के साथ श्री गणेश जी की पूजा कीजिए और उन्हें साथ ही दुर्वा भी अर्पित करिए, क्योंकि गणेश जी को दुर्वा बेहद पसंद है। तो अगर आप उनके मंदिर में या घर पर, जैसे भी आपने गणेश जी की प्रतिमा या आपके पास फोटो है, अगर मंदिर में जाकर कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा। आप दुर्वा अर्पित कीजिए गणेश जी को और अपने मन में इच्छा रखिए कि मेरी इच्छा पूर्ण हो जाए। और इसके साथ ही आप बुधवार के दिन गणेश जी पर पीले रंग के फूल चढ़ाइए, उससे भी गणेश जी प्रसन्न होते हैं। आप पीले वस्त्र चढ़ा सकते हैं गणेश जी पर बुधवार के दिन। तो पीला रंग की चीज़ें आप गणेश जी को अर्पित कीजिए बुधवार के दिन। गणेश जी प्रसन्न होते हैं और आपके कार्यों में आने वाली विघ्न बाधाएं दूर होती हैं और कष्ट दूर होते हैं और आपके सभी कार्य बनने शुरू हो जाते हैं। आपकी इच्छाएँ पूर्ण होती हैं, मनोकामनाएँ पूर्ण होती हैं। विवाह के लिए भी उपाय कर सकते हैं। बुध ग्रह अगर आपकी जन्म कुंडली में सही नहीं है उसके लिए भी ये उपाय सही हैं और इससे बुध ग्रह ठीक हो जाता है। हमारी अगर जन्म कुंडली में सही ना हो, क्योंकि ये बुध के भी उपाय हैं। गाय को हरा चारा खिलाना, हरी रंग की वस्तुएं दान करना, जैसा कि दाल हरी या हरी सब्जियां दान करना, तो उससे बुध देव भी प्रसन्न होते हैं और श्री गणेश जी का जहाँ आशीर्वाद मिलता है वहाँ तो सभी कार्य अपने आप बनने शुरू हो जाते हैं। तो आप ये सब उपाय करें, आपको इससे बहुत ही हर सभी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट कीजिए और मुझे बताइए वीडियो कैसा लगा। और मेरे आप बाकी के वीडियोस भी देखिए, जिसके उपाय करने से ये सब आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा, बहुत लाभ होगा। और प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।